नमस्कार बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। जो आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा बचाओ अध्याय को, जिसमें हम सीखेंगे ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होती है, ऊर्जा किस रूप में हमारे आसपास मौजूद है, प्रत्येक ऊर्जा का उद्गम स्रोत क्या है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि ऊर्जा की बचत करना क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने यह भी पढ़ा कि ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं, जो हमें यांत्रिक या जैविक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होते हैं। ऊर्जा के बारे में एक बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और रोचक है, वह यह कि ऊर्जा न तो पैदा होती है और न ही नष्ट, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि जब भी ऊर्जा को एक रूप में परिवर्तित किया जाता है, तब ऊर्जा का कुछ भाग बेकार ऊर्जा में भी परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए, जब हम बल्ब जलाते हैं, तब विद्युत ऊर्जा तीन मुख्य रूपों में परिवर्तित होती है। पहला प्रकाश ऊर्जा, दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा और तीसरा बेकार ऊर्जा। इसी प्रकार पंखा चलाते समय विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और बेकार ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि आप ध्यानपूर्वक सभी ऊर्जा के स्रोतों को देखें, तो आप यह पाएंगे कि सभी में ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। क्रियाकलाप एक, इस सारणी को देखिए और पता कीजिए कि ऊर्जा किस रूप से कौन से रूप में परिवर्तित हो रही है। क्रियाकलाप दो, पता लगाइए कि इन सभी ऊर्जा स्रोतों का मुख्य उद्गम स्रोत कौन सा है। जैसा कि आप जानते हैं, ताप या बिजली घरों में कोयले को जलाकर भाप बनाई जाती है। इस भाप का प्रयोग चक्की को चलाने में किया जाता है। विद्युत संयंत्र पर चक्की की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जब यह विद्युत हमारे घरों में पहुँचती है, तब हम विद्युत ऊर्जा को अनन्य रूपों में परिवर्तित करते हैं। आप इस चार्ट को देखकर यह समझ सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते समय हम उस ऊर्जा के हनन के लिए भी उत्तरदायी हैं, जो इस विद्युत ऊर्जा के बनने में बेकार हो गई है। साधारण शब्दों में आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई मित्र आपको 100 रुपये भेजना चाहता है, लेकिन डाक घर आने और मनी ऑर्डर करने में उसके 30 रुपये खर्च हो जाते हैं और वह केवल 70 रुपये ही भेज पाता है। यद्यपि आपको केवल 70 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन वास्तव में आपके मित्र ने आप पर 100 रुपये खर्च किए। ठीक उसी प्रकार आपको जितनी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा आपकी विद्युत ऊर्जा आपके लिए खर्च की जाती है। विद्युत ऊर्जा का सदुपयोग करके हम न केवल विद्युत ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि उस ऊर्जा को भी बचाते हैं जो उसे बनाने में बेकार हो जाती है। यदि ध्यान से सोचा जाए तो विद्युत ऊर्जा का हीटर या अन्य कमरा गर्म रखने वाले उपकरणों में प्रयोग भी विद्युत ऊर्जा का दुरुपयोग ही कहलाएगा। विद्युत एक उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा का माध्यम है, जिसके उत्पादन में घरों तक पहुंचाने में बहुत सी ऊर्जा खर्च हो जाती है। हीटर के स्थान पर यदि गैस स्टोव का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाए, तो बहुत सी ऊर्जा को बेकार होने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार कमरा गर्म रखने के लिए हम कोयले का प्रयोग सीधे रूप से भी कर सकते हैं। बच्चों, कुछ लोग विद्युत ऊर्जा का दुरुपयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि विद्युत ऊर्जा बहुत सस्ती है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में हम ऊर्जा के लिए कितने रुपए खर्च करते हैं? आमतौर पर दिल्लीवासी एक यूनिट विद्युत ऊर्जा के लिए जितने रुपए देते हैं, हम तक इस एक यूनिट ऊर्जा को पहुंचाने के लिए सरकार को इसके 2 गुने रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा का 50% से भी अधिक खर्च सरकार विद्युत बोर्ड को वहन करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं, यदि भारत के सभी राज्यों द्वारा इस कारण 2001-2002 में सरकार को लगभग 200 अरब रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। क्रियाकलाप 3, चर्चा कीजिए यदि ऊर्जा के दाम दुगने कर दिए जाए तो आपके घर में क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या तब भी हम ऊर्जा का प्रयोग इतनी लापरवाही से कर पाएंगे? तब आप ऊर्जा विद्युत ऊर्जा की बचत के क्या उपाय करेंगे? एक सूची बनाइए।
ऊर्जा के सदुपयोग से हम अपना खर्च कम करने के अलावा प्रदूषण कम करने में भी अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि भारत में बिजली उत्पादन का 70% भाग कोयले को जलाकर होता है। कोयला जलने से CO2, CO, SO2 और NO2 इत्यादि हानिकारक गैसें वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। इसके अलावा जली हुई राख के निष्पादन की समस्या भी बढ़ती जा रही है। यदि हम विद्युत ऊर्जा का सदुपयोग करें तो इस प्रदूषण में अपने आप ही कमी लाई जा सकती है। क्रियाकलाप 4, ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का पता लगाइए जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न। 1, जब हम बल्ब जलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा किन किन रूपों में परिवर्तित होती है? 2, कोयले के जलने से कौन कौन से हानिकारक गैस वायुमंडल में प्रवेश करते हैं? और 3, 2001 से 2002 में भारत सरकार को कितने रुपए का नुकसान हुआ था? बच्चों, ये रहे उन प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न 1 का उत्तर है प्रकाश, ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा और बेकार ऊर्जा। प्रश्न 2 का उत्तर है CO2, CO, NO2 और SO2। प्रश्न 3 का उत्तर है 200 अरब रुपए। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।